नोएडा में रामलीला का आयोजन हो रहा है। हजारों की तादाद में लोग रोजाना नोएडा स्टेडियम पहुंचते हैं और आस्था के अनुसार रामलीला को देखते हैं। नोएडा में हर समाज के लोग और हर धर्म के लोग रहते हैं। नोएडा स्टेडियम की सबसे बड़ी रामलीला मानी जाती है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं, लगातार लोगों का आना जारी है। हजारों की तादाद में लोग नोएडा स्टेडियम में पहुँचते हैं और रोजाना इस कार्यक्रम का आनंद लेते हैं। रामलीला के माध्यम से बताया जाता है कि किस तरह से भगवान राम ने जीत हासिल की थी और बुराई की किस तरह से हार हुई थी। तस्वीरों में आप साफ देखें, ये नोएडा स्टेडियम की तस्वीर है जहां पर काफ़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। अंदर का भी हम आपको नज़ारा दिखाएंगे। सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो यहाँ पर पुलिस की चौकी बनाई गई है। अगर किसी भी तरह से कोई उत्पात मचाने की कोशिश करता है तो पुलिस उस पर शिकंजा कसेगी। भारी पुलिस बल को यहाँ पर तैनात किया गया है। सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जा रही है। विजयदशमी के दिन रावण का दहन होगा और लाखों की संख्या में यहाँ पर भक्त रामलीला का आनंद लेने पहुँचेंगे। विजयदशमी वाले दिन तो वहीं रामलीला समिति ने काफ़ी अच्छी व्यवस्था की है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं, दो यहाँ पर लाइनें बनाई गई हैं पूरी तरह से बैरियर की तरह पर। लोगों को इन्हीं बैरियरों से होकर रामलीला के आनंद लेने के लिए ले जाया जाएगा। साथ ही तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं, काफ़ी संख्या में लोग पहुँच चुके हैं। यानी कि समय भी अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। जब रामलीला शुरू हो जाती है, लगभग 9 बजे के बाद पूरी तरह से रामलीला शुरू होती है, लेकिन उससे पहले ही काफ़ी संख्या में यहां पर भीड़ आने वाली है। तो वहीं रामलीला समिति ने पूरी तैयारियां कर ली है। नोएडा स्टेडियम में रामलीला का आयोजन किया जा रहा है। नोएडा स्टेडियम की सबसे बड़ी रामलीला मानी जाती है। हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर रोजाना रामलीला देखने आते हैं। अलग झूलों का आनंद तो अलग ही लोग ले रहे हैं। मेरे साथ अध्यक्ष TN चौरसिया है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। किस तरह की व्यवस्था रामलीला में की? देखिए, पिछले 3 तारीख से लगातार हमारा रामलीला चल रहा है। बंचर रोजाना होता है। आज का जो दृश्य है वो है लक्ष्मण जी का मूर्छित होना। संजीवनी बूटी ला रहे हैं, विभीषण का डायलॉग है और उसके अलावा लड़ाई की तैयारी है। रावण सेना तैयार हो रही है, पुल बन रहा है। कितने लोग देखिए, आप उधर देखिए, हमारे रावण तैयार बैठे हुए हैं। आप जो भाई उनको, ये रावण है ना, तीनों रावण लगे हुए हैं। और डॉक्टर साहब, डॉक्टर महेश शर्मा जी हमारे सांसद रहेंगे, विधायक जी रहेंगे, पंकज सिंह जी और जिला प्रशासन और DM कलेक्टर रहेंगे। सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि लाखों की संख्या में? सुरक्षा का इंतजाम में तो हमारे अपने वॉलंटियर्स हैं, सिक्योरिटी गार्ड देखिए घूम रहे हैं। उसके अलावा पुलिस प्रशासन भी पूरा मुस्तैद है और हम लोग सीट भी बढ़ा रहे हैं। कुछ करके मेला बंद रहेगा जब तक रावण नहीं जलेगा। सुरेशा जी, रामलीला के माध्यम से क्या संदेश देना होता है और ये नोएडा स्टेडियम की सबसे बड़ी रामलीला होती है, क्या माना जाए, लोगों को क्या प्रेरणा हासिल हो? देखिए, हम लोग विगत 39 ईयर से कर रहे हैं, 39 साल है इस बार। लोगों का जो हमारे पुरानी पारंपरिक चीज़ें हैं, हमारे एंशियंट टाइम के लोगों को, हमारे नई पीढ़ी को नहीं पता है, सदियों से चलता आ रहा है, उसी को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। और हिंदुत्व के जो हमारे दर्शन हैं, पूरा लोगों को बताया जाता है, राम जी के पूरा चरित्र निभाया जाता है। उस पर रावण दहन होता है और फिर एक माहौल होता है, 10 दिन का मेला लग रहा है, खाने पीने के स्टॉल हैं, लोग रामलीला देखते हैं और एक फैमिली का आनंद भी लेते हैं, रामलीला का भी लुत्फ उठाते हैं। यानी कि अपनी पुरानी परंपराओं को सजोए के रखा जाए और बच्चों को बताया जाए कि किस तरह से भगवान राम ने जीता। जी जी बिल्कुल, हमारे जो राम जी का चरित्र है, एक परिवार के कैसे रखा जाता है, परिवार में कैसे रहा जाता है, किसकी बातें मानी जाती है और कोई भेदभाव ना करे। देखिए, उन्होंने नीचे वालों को भी रखा, सब्जी के बैर भी खाया और राजपाट छोड़ के अपने पिता की बात कहने पे जंगल चले गए और सब मर्यादा के हिसाब से उन्होंने काम किया। फिर मैं डॉक्टर महेश शर्मा जी हमारे सांसद जी रहेंगे, यहाँ के विधायक जी पंकज सिंह जी रहेंगे, जिला अध्यक्ष मनीष वर्मा जी रहेंगे, लक्ष्मी सिंह जी कमिश्नर रहेंगे, लोकल सेम नवड़ा थोड़ी के CEO साहब रहेंगे। कितने बजे रावण दहन की प्रक्रिया रहती है? करीब 7 बजे करीब होगा हमारा। कितने लोगों की आने की आशंका है? देखिए, वैसे तो हम लोगों ने यहाँ पे चेयर दस हज़ार चेयर लगा रखे हैं, पर कम से कम 50,000 से ऊपर लोग आते हैं, ज़्यादा ही होते, कम नहीं होते। बाकी ओपन एरिया है पूरा, सब रहता है, पूरा दूर दूर से लोग देखते हैं।
ये सुन रहे थे आप टीएन चौरसिया जो पूरी तरह से रामलीला का आयोजन करा रहे हैं, अध्यक्ष हैं। तस्वीरों में मेरे पीछे देखें तो कितना सुंदर यहाँ पर मंच बनाकर तैयार किया गया, तीन भागों में मंच को तैयार किया गया है। पहला जंगल है, दूसरा राम दरबार है और तीसरा पहाड़ है, यानी कि पूरी तरह से एक परंपरा को दर्शाया गया है कि भगवान राम के किस तरह से वो वनवास गए, फिर अपने घर पहुंचे, पहाड़ में रहे, पूरी प्रक्रिया को यहाँ पर दिखाया गया है। श्री सनातन धर्म रामलीला समिति इसका आयोजन करा रही है, मंच को पूरी तरह से दिखाया गया है। साथ ही तस्वीरों में आप साफ देखें तो किस तरह से यहाँ पर सोफे लगाए गए हैं, यानी कि पूरी व्यवस्था यहाँ पर चाक चौबंद कर ली गई है। तस्वीरों में आप साफ देखें तो अभी तो रामलीला पूरी तरह से शुरू भी नहीं हुई, लेकिन हजारों की तादाद में लोग आना शुरू हो गए हैं। रोजाना नोएडा स्टेडियम की ये तस्वीर खुद अपने आप में बयां करती है कि किस तरह से जो हमारा पुरानी परंपराएं थी उनको भूला जा रहा था, फिर से दोबारा से जिंदा की जा रही है। आने वाले समय में और बेहतर होगा रामलीला का आयोजन, ये पिछले 39 सालों से लगातार किया जा रहा है। अब हम दूसरी तरफ चलते हैं जहां पर रावण और कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले बनकर तैयार हैं, बुराई पर अच्छाई की जीत होगी। विजयदशमी है और विजयदशमी के दिन रावण का दहन होना है। तीनों ही पुतले बनकर तैयार हो गए हैं, तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं रावण का पुतला बनकर तैयार हो गया है, तो वहीं कुंभकर्ण का पुतला भी बनकर तैयार हो गया है, मेघनाथ का भी पुतला बनकर तैयार हो गया है। अगर बात की जाए इनकी ऊंचाई की तो रावण की 100 फुट की ऊंचाई रखी गई है और कुंभकर्ण की 90 फुट की, तो वहीं मेघनाथ की 80 फुट की ऊंचाई रखी गई है। विजयदशमी के दिन तीनों का दहन होगा, बुराई पर अच्छाई की जीत हो जाएगी। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं तो किस तरह से लोग यहाँ पर हिंडोलों का यानी कि झूलों का पूरी तरह से आनंद ले रहे हैं। हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचने की आशंका है। सुरक्षा व्यवस्था में भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया जाएगा। तस्वीरों में आप साफ देखें अभी से ही पूरी तरह से कुर्सियां भरनी शुरू हो गई हैं। वो समय जब नज़दीक आ गया है कि जब पूरी तरह से प्रक्रिया के अनुसार रावण का दहन होगा। तस्वीरों में आप साफ देखें तो मंच है और मंच के सामने जो VIP लोगों के लिए पूरी कैटेगरी की तरह एक लाइन बनाई गई है, जिससे VIP कल्चर के लोग आएंगे और वो यहाँ पर बैठेंगे। मुख्य अतिथि के रूप में सांसद महेश शर्मा यहाँ पर पहुँचेंगे, तो वहीं विधायक पंकज सिंह भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। लाखों की संख्या में लोग यहां पर पहुंचेंगे और रावण दहन की प्रक्रिया का आनंद लेंगे। रावण का दहन हो जाएगा, इस मौके पर बुराई पर अच्छाई की जीत होगी। एक तरफ रामलीला का आयोजन हो रहा है तो दूसरी तरफ शहरवासी मेले का आनंद ले रहे हैं। तस्वीरों में आप साफ देखें तो हजारों की तादाद में लोग आनंद लेने के लिए पहुँचे हैं मेले का। यहाँ पर बड़े बड़े हिंडोले लगाए गए हैं, लोग यहाँ पर आ रहे हैं, घूम रहे हैं, अपने मनपसंद के झूलों में जाकर घूम रहे हैं। अगर बात की जाए दूसरी तरफ यहाँ पर एक से अच्छा खाना खाने के लिए तो यहाँ पर बेहतरीन स्टॉल लगे हुए हैं, छोटे छोटे बच्चों के लिए घूमने के लिए यहाँ पर झूले लगे हुए हैं। यानी कि रामलीला को एक तरफ परंपरा के अनुसार देखा जाता है तो दूसरी तरफ इस मौके पर मेले का भी आयोजन होता है, जहाँ पर हजारों की तादाद में लोग पहुँचते हैं और मेले का आनंद लेते हैं। अगर बात की जाए तो ये नोएडा स्टेडियम का सबसे बड़ी रामलीला है, जहां पर हजारों की तादाद में लोग पहुंचे हैं। लोगों से बातचीत कर लेते हैं, आप कहां से मेला देखने आए हो, क्या नाम है? सुबेश का। कितने दिनों से ये मेला देखते हो, क्या पहली बार आए? नोएडा में पहली बार आया हूं। नोएडा कहना चाहते हो इस मौके पर? सही है, अभी तो मेला फिलहाल में। आप रामलीला देखो? रामलीला नहीं, रात में नहीं, क्योंकि अभी हम आए जॉब करते हैं ना, तो इसलिए छुट्टी हुई थी तो आए थे। तुम्हारा क्या नाम? मानसू। दोस्त के साथ? हाँ, मज़ा आ रहा। घूमे मेले में? सब चीज़ घूम लिया अभी। और सब औरों से बातचीत कर लेते हैं, यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग पहुँचे हुए हैं। आपका क्या नाम है? और यहाँ में मेला देखने पहुँचे हैं, कितना अच्छा महसूस हो रहा है? हाँ, बहुत अच्छा। क्या देखते तो वहाँ लड़के देखने गए थे। मेला झूला झूल के आए। कौन सा झूला? वो नाव वाला। नाव मुन्ना। आप अपने दोस्तों के साथ? हाँ बिल्कुल। कितने दिनों से इस मेले को देख रहे हैं या पहली बार नोएडा स्टेडियम? अरे ना, कम से कम 20-25 साल और 10-15 साल। आपका क्या? पिंटू। यानी कि देख सकते हैं यहाँ पर लोग काफ़ी संख्या में पहुँच रहे हैं और मेला देख रहे हैं, मेले का आनंद ले रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखें तो काफ़ी संख्या में यहाँ पर महिलाएं भी पहुंची हुई हैं, जो मेला देखने का अपने बच्चों को झुला रही हैं और आनंद ले रही है। यानी कि पूरी तरह से नोएडा स्टेडियम के मेले का एक तरफ आनंद लिया जा रहा है तो दूसरी तरफ रामलीला का आयोजन हो रहा है, जहां पर
रामलीला को देखा जा रहा है। नोएडा में हर्षोल्लास के साथ नोएडा स्टेडियम में रामलीला का आयोजन किया जा रहा है। एक तरफ रामलीला का आयोजन किया जा रहा है जहां पर काफी संख्या में लोग रामलीला देखने के लिए पहुंच गए हैं, दूसरी तरफ पुतले बनकर तैयार हो गए हैं, रावण का दहन होगा। काफी संख्या में लोग नोएडा स्टेडियम पहुंचे हैं, तस्वीरों में आप साफ देखें। अगर सुरक्षा की बात की जाए तो यहाँ पर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। एम्बुलेंस को इसलिए यहाँ पर लगाया गया है कि अगर मेले में किसी की तबीयत खराब हो जाती है, रामलीला देखते हुए किसी की तबीयत खराब की हो जाती है, तो उसको तुरंत एम्बुलेंस के माध्यम से हॉस्पिटल तक पहुँचाया जाए। अगर दूसरी तरफ आप देख सकें तो बड़े बड़े झूले यहाँ पर लगाए गए हैं, लोग झूलों में झूल रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। अगर किसी को अच्छा खाना खाना है तो यहाँ पर खानों के लिए स्टॉल लगाया गया है, यानी कि पूरी तरह से रामलीला के इस आयोजन के मौके पर आम आदमी के लिए पूरी व्यवस्था नोएडा स्टेडियम में की गई है। हजारों की तादाद में लोग यहां पर पहुंच रहे हैं, अपने परिवार के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ रामलीला का आनंद ले रहे हैं। यानी कि रामलीला के इस आयोजन का विजयदशमी के दिन रावण का दहन होगा, बुराई पर अच्छाई की जीत होगी। सुरक्षा में भारी पुलिस बल तैनात रहेगा। इस मौके पर सांसद महेश शर्मा व नोएडा विधायक पंकज सिंह व भारी पुलिस बल मौजूद रहेगा। नोएडा से नव नोएडा के लिए मसाजिद अली।